वेलकम टू माई चैनल, आई एम नसीमा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मैं लखनऊ आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद सालों बाद आई होंगी, और सालों मतलब एक साल तो ही गए। तो आज का मैं यहाँ पे अमीनाबाद एक्सप्लोर करने आई हूँ, और अमीनाबाद तो मैं काफ़ी वक्त बाद आई हूँ। तो अमीनाबाद जब भी हम जाते आते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है हम पाकिजा का जूस या शेक पीते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेक पीऊँगी। मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ, शाइना। शाइना वो सही है, शाइना। तो हम शेक पिएंगे और उसके बाद वो मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ काफ़ी शोर हो रहा है। अमीनाबाद लखनऊ की बहुत अच्छी मार्केट्स में से एक है, और यहाँ पे इट्स फेमस फॉर चिकन कुर्ता सूट। मतलब अगर आप चिकन कुर्ता या डिज़ाइनर साड़ी चिकन की इस टाइप की चीज़ ढूंढ रहे हो तो लखनऊ में अमीनाबाद मार्केट ना खास एंड चौक इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू एक्सप्लोर। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, और मैं एक्चुअली पू भी यहीं पर आ रही है, मेरी फ्रेंड पू, और उससे मैं बहुत उससे भी मिले हुए एक साल हो जाएंगे, तो मैं एक साल बाद मिलूँगी उससे। तो आज यही है छोटा सा मार्केट, छोटा सा नहीं है ये मार्केट, बड़ा है। इसमें काफ़ी सारी गलियाँ हैं, कोई घड़ी का है, कोई चश्मे का है, बुक्स की लेन है, कपड़ों की लेन है, मोहन मार्केट है, प्रताप मार्केट है। मतलब इस तरह की मार्केट्स है, मैं तो भूल भी गई हूँ बहुत सारी चीज़ें। एक टाइम में तो मैं काफ़ी विजिट करती थी यहाँ पे। तो वेल, आई एम नॉट इन अ मूड टू बाय एनीथिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो अभी मैं खरीदूँगी नहीं। लेकिन अभी शेक आ गया है तो मैं जा रही हूँ शेक पीने। पाकिजा से हमने काफ़ी उम्दा जूसेस एंड शेक किया है, और अब हम जा रहे हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने, और हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा सा मार्केट कैसा है। पीछे जो आप देख रहे हैं ना लेन, ये बुक्स की लेन है। यहाँ आपको हर तरीके की बुक्स मिलेगी। मैं बोल रही हूँ कुल्फी खाने चलो, ये चल नहीं रही है, चुपचाप चलो कुल्फी खाने। ये क्या करती थी बचपन में, जब भी हमारे साथ आती थी कि हम चलेंगे मार्केट, और हम जैसे ही मार्केट आते थे बोलती थी ये खिलाओ वो खिलाओ वो खिलाओ वो खिलाओ। आज भी वही कर रही है, मुझे ब्लॉग नहीं बना तो मैं ये पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बुक्स की मार्केट है, और यहाँ पे नई पुरानी हर तरीके की बुक्स मिल जाती है, कॉम्पिटिशन्स के लिए बुक मिल जाती है। जो बुक आपको लखनऊ में नहीं मिल रही है ना कहीं पे, यू शुड एक्सप्लोर दिस मार्केट, यू माइट फाइंड इट हियर। तो बहुत अच्छी मार्केट है, और इनफैक्ट आप पुरानी बुक्स को सेल भी करना चाहते हो तो यू कैन डू इट हियर। तो गली भी है, अंदर गली भी है, वहाँ पर भी है। तो हम मुझे तो मेरी बहन पकड़ के बस सीधा रास्ता दिख रहा है उसको, दूर से प्रकाश कुल भी दिख रही है। ज़ूम करो, ज़ूम। बस दूर से इसने प्रकाश कुल्फी देख लिए और बोल दिया मुझे वही खिलाओ, वही ले चलो, वही चल ले चलो, फिर कुछ करना। तो बस पहले हम कुल्फी खाएंगे और उसके बाद फिर मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। प्रकाश कुल्फी हम पहुंच गए हैं, और शाइना तो फटाफट ऊपर चढ़ गई है। कहाँ से चढ़ना है भाई? वो देखो वो वहाँ खड़ी हो गई है, और हम जा रहे हैं ऊपर, और वहाँ से अभी सबसे पहले प्रकाश कुल्फी खाएंगे और देखते हैं इसका टेस्ट पहले जैसा है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत वक्त बाद खाने आई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ ये पहले से बेहतर होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ों की क्वालिटी भी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन पहले यहाँ पे ऊपर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर भी है, देख रहे यहाँ पे अच्छी कुल्फी है, लखनऊ की बहुत ही मशहूर प्रकाश कुल्फी। लेट्स सी इज इट सेम। खुश, हैप्पी? हाँ। तो मैं तो अब हम इसका खाते हैं, मैं इसको बताती हूँ कैसा रहता है, कैसा है एक्सपीरियंस। ये हमारी कुल्फी आ गई है, और अब हम खाने जा रहे हैं इसको, और हम बताते हैं आपको कैसा बना है, कैसी है ये कुल्फी, पहले जैसी है कि नहीं है। सफा चैट, और अच्छा लगा काफ़ी, वेरी यमी। तो अगर आपको लखनऊ आना है और तो कुल्फी का शौक रखते हो आप,
तो प्रकाश कुल्फी ज़रूर ट्राई करो, अच्छी है और आई एम रियली हैप्पी कि इसका टेस्ट अभी भी वैसा ही है जिससे पहले था, है ना हनी। सोना जूलरी क्या करेंगे, मैं जूलरी लेके पहनूंगी। 150 में 4 कारपेट, छोटू सा डोर मैट, कैन यू बिलीव इट। और वो भी तुम बार्गेन कर सकते हो उसमें, पॉसिबिलिटी ये भी होती है। खैर यहाँ पे इतना कम भीड़ मुझे आज तक कभी नहीं मिला है, पता नहीं क्या वजह है यहाँ पे कम भीड़ होने की। कम भीड़ है यहाँ पे। तो हम प्रताप मार्केट जा रहे हैं शाइनर को, जो मैंने बताया था ना फैब्रिक लेना है, उसके लिए हम फैब्रिक देखने जा रहे हैं। और आप देखो ना यहाँ कपड़ों का, जूते चप्पल का, ज्वेलरीज का, एथनिक वेयर, नमकीन, अब मैं भीड़ वाले इलाके में आ गई हूँ अकॉर्डिंग टू शाइना। अभी तक कोई भीड़ नहीं दिख रही थी और अब भीड़ वाली मार्केट आ गई है। अच्छा यहाँ गलियाँ हैं, 3 या 4 गलियाँ हैं, और वहाँ से पहले एक गली में देखते रहो, फिर दूसरी गली, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये पहली गली में मुझे गली दिखाई थी वो लेडी सेक्शन का था, बट यहाँ पे मुझे कुछ कुछ सूट के कपड़े भी दिख रहे और सूट्स बेसिकली दिख रहे हैं, अगर लेडीज का तो है ही, उनकी तो भरमार है। यहाँ जिधर देखो आंखों में दिल बन जाता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स माइंड से आना पड़ेगा ये लेना है वरना लुट जाओगे। और बिल्कुल बार्गेन करना सीखो। देखो यहाँ ब्लाउज का सेक्शन है, और बार्गेन करना आना चाहिए वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। मार्केट ऐसी है कि आप फिक्स होके आओ, मैं आई वॉज नॉट इन बहुत तेज है। 450 की लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मैं 350 करवा लेती। 450 बताया था उसने। मैंने कहा ना बारगेनिंग करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। तो मैंने एक फुटवेयर लिया है, इट वॉज 450, लेकिन वो 250 में मिल गया एंड आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ, इट्स गुड और थोड़ा फैंसी है, मुझे चाहिए भी था, एक ले लिया मैंने। और शाइना चाहिए, एक्चुअली लेने शाइना गई थी और उसको नहीं मिला कुछ भी, ऐसा ही होता है मेरे साथ, कोई लेने जाता है मैं अपने लिए उठा के निकल लेती हूँ। अब इस मार्केट से निकल रहे हैं हम, तो यहाँ 3 गलियाँ हैं प्रताप मार्केट की। पहली में आपको ऑल एथनिक, ऑल कम्प्लीटली लेडीज, दूसरा सेक्शन आपको मिलता है जिसमें जेंट्स का है और लेडीज का है, तीसरा सेक्शन फुटवेयर्स का है, और भी चीज़ें हैं, घड़ी की भी एक लेन है, चश्मे की लाइन, झोलियों, बड़ी मार्केट है, एक्सप्लोर करने लायक मार्केट है। तो अगर आप अमीनाबाद आए, लखनऊ आए, तो अमीनाबाद मार्केट जरूर एक्सप्लोर करें। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और फिर मैं पूछ मिलती हूँ। अभी सिर्फ 7:15 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है न जाने कितने बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ बू को पिक करने और फिर वहाँ से फिर मैं वापसी अपने घर जाऊँगी। तो आज अगर अच्छा पजामा पार्टी करेंगे, पजामा पार्टी। अभी हम मेट्रो स्टेशन आए हैं, लखनऊ का ये मेट्रो स्टेशन है, कौन सा वाला है ये, कौन सा नाम, यहाँ से फिर इंदिरा नगर के लिए हम मेट्रो लेंगे और फिर वहाँ से वो मिलेगी और उसको पकड़ के हम चलेंगे। मैंने एंटर कर लिया है और ये देखो काफ़ी सन्नाटा है यहाँ के मेट्रो। अभी एक्चुअली नया नया है, अभी 2-3 साल हुए हैं शायद, तो अभी लोग इतने यूज टू नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कन्वीनियंट होता है मेट्रो में। दिल्ली में तो बहुत सक्सेसफुल है मेट्रो, और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंदिरा नगर अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में इस वक्त, लेकिन मेट्रो इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। इस छटल्ली पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, बोली उधर चल रहा है ना, सुन मैं आराम से वीडियो बना ले, मैं शर्मिंदा हूँ। और ऊपर पहुँच के देख रही होगी उल्टा पहुँच गए हम, देखो उसमें लिखा हुआ है
नहीं गवार, हमको मुझे भी ले जाना है। अरे तो वो प्लेटफॉर्म पर था, सॉरी दोनों प्लेटफॉर्म। तो हम उतर के दूसरे साइड जा रहे और अब फटाफट गुरु मेट्रो आ रही है। मेट्रो अरे 4 मिनट है। अरे मेट्रो आगे में बहुत टाइम है, हम तफरी काट रहे हैं यहाँ के कान सन्नाटे मेट्रो स्टेशन। जो खाना खाए हैं उसको हम सीढ़ियों के थ्रू पचाएंगे। सामने देखो देने के लिए मैंने उसका ये स्पेशल मिरर ले लिया है। ये बहुत अच्छा मिरर है, इसमें पता है मैग्निफाइड भी है और बिल्कुल नॉर्मल मिरर से भी है। दिस इज रियली नाइस। तो ये मसूरी से लेके आई थी और काफी अच्छा है, लेकिन मेरे को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ा। चार उसने दे दिया खुद से, मैंने बोला ये मुझे दे दो तो उसने कहा ठीक है तुम ले लो। पर इसके बाद देखो ना कितनी स्वीट, देखो ये पागल औरत, ये देखो ये किसने टर्टल पाला हुआ है और ये किसी भी कर रही है। आए हाय पू, देख रहा है कौन लोग आए हैं। भाई तू अंदर घुस जा, मैं तो कभी हाथ भी ना लगाऊं इसे, इतना डर। आए दूर है। पू को उठा के अब मैं घर जा रही हूँ वापस। काफ़ी लेट हो गया है लेकिन काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है। आज हमने प्रकाश कुल्फी भी खा ली और पू के साथ बहुत टाइम बाद मिले, बहुत अच्छा लगा। और अब हम घर जा रहे हैं, खूब सारे गप्पे मारेंगे, खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं क्लोज करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी माई नेक्स्ट ब्लॉग सून। बाय बाय, टेक केयर।